मरियम जी, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़ी फूडी हैं। आपको खाने में क्या पसंद, और क्या खुद ही खा जाती हैं या कभी कभी फ्रेंड्स को भी लिफ्ट करवा लेती हैं? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं बहुत फूडी हूँ और मुझे देसी खाना पसंद है और मीठा पसंद है। और जहाँ तक खिलाने की बात है तो सबको खिलाती हूँ, अकेले नहीं खाती। हमारे लिए तो आप कुछ नहीं लाई, बट भी अल्लाह की राह पे कबाब खा लेता है। आपके हालात से लगता है कि आप बहुत अच्छे कुक होंगे और जारगी बहुत खिदमत करते होंगे। बिल्कुल सही है, मैं बड़ा अच्छा कुक हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। क्या बनाते हैं? स्टेक्स बनाता हूँ मैं, भिंडी बनाता हूँ मैं, दाल बना सकता हूँ, तो खाना आता है मुझे बनाना। वाह वाह वाह, तो नौकर वोटी दाद। भिंडी की बात कर ली, इसका मतलब है जरदारी साहब फोन करते हैं, थोड़ी सी हमें भी भिजवा दो। उनको भिंडी भी पसंद है और पिंडी भी। अच्छा, तकरीबन आपके खानदान में सारे गुलूकार हैं, लेकिन आपकी अभी तक एल्बम नहीं है, क्यों? बस जल्द एल्बम तो क्या तो नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द एक चीज बन रही है तो वो आप तक पहुंचेगी जरूर। खिचड़ी पकड़ी? बिल्कुल। तो रहता है ये जो मुगले आजम आप बना रहे हैं, इसमें स्पाइडरमैन भी आपने डाल दिया, इसमें सलीम भी आपने डाल दिया, इसमें आपने ये भी डाल दिया, मगर अनारकली कहाँ है? असल च बट जी, मैं अनारकली इस वास्ते छुपा के रखी है किधरे वेख के तुसी खटियां डकारा ना मारो। मेरा मतलब है कि जे तुसी इन्ना ही इसरार कर रहे हो, मैं बुला रहा अनारकली की ते तुसी मधुबाला भूल जासो। हैं जी, वाहद हुसन होएगा दुनिया का, तुसी आखसो मेरी अखां नूं पै रहा। ओए ओए ओए, वाकई? हाँ जी।